दोस्तों देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस देश के लिए न जाने कितना कुछ करेंगे इस देश के लिए वो 18-18 घंटा काम करते हैं उसके बाद बहुत मेहनत करते हैं बहुत मेहनत करते हैं बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं वो अतुल्य हैं वो कह है सकता है कि जो एक वर्ड आया था इनक्रेडिबल वो प्रधानमंत्री जी के लिए आया और इस वक्त एक बड़ी खबर ये आ रही है मुझे लगता है कि देश की सबसे बड़ी ख़बर में से एक एक बड़ी ख़बर ये है कि प्रधानमंत्री जी राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा से तीन दिन पहले तक तीन दिन पहले तक व्रत रखेंगे उसके बाद व्रत रख करके के कठोर व्रत रखेंगे सिर्फ़ और सिर्फ फल खाएंगे खाएंगे मतलब लेकिन फल खाएंगे कठोर व्रत रखेंगे और ये प्रधानमंत्री जी को लेकर के एक बड़ी खबर सामने आ रही है न्यूज़ ट्वेंटी फोर ने एक बड़ी ख़बर ये भी दी है कि प्रधानमंत्री जी जो हैं बगैर बिस्तर के सोएंगे वो लकड़ी की चौकी पर कंबल बिछा करके उसके ऊपर सोएंगे कोई बिस्तर का इस्तेमाल नहीं करेंगे ये एक बहुत बड़ी खबर आ रही है ये उनकी कहा कह, कह, कही कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि राम मंदिर का जो प्राण प्रतिष्ठा हो रहा है उससे पहले उनका ये बहुत बड़ा फैसला है इस फैसले पर आप तमाम लोगों का क्या कुछ सोचना है अपनी राय कमेंट सेक्शन में, में दीजिएगा आपको बता दें कि देश के प्रधानमंत्री जो हैं उन्होंने पहले भी ये बात कही थी कि राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा से पहले हम तमाम देशवासियों को चाहिए कि सबसे पहला पहली बात उन्होंने कही कि आसपास के तमाम मंदिरों की सफाई होनी चाहिए अभी कुछ ही देर पहले हमने आपको एक ख़बर बताई थी दिखाई भी थी और आप देख सकेंगे किस तरह से अभी उत्तर प्रदेश के पूर्व में मुख्यमंत्री रह चुके हैं अभी देश के केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह जी हैं उन्होंने भी मंदिर में जा कर के जो है साफ़ सफाई की हालांकि ये अलग बात है कि पहले उन्होंने पोछा लगाया और उसके बाद झाड़ू लगा रहे थे ये सब कुछ चल रहा है देश में लेकिन इस बीच प्रधानमंत्री जी को लेकर के खबर आई है अब प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं सब कुछ तो सोच समझ के कर रहे होंगे प्रधानमंत्री मोदी जो हैं तीन रात तक चौकी पर कंबल बिछा करके सोएंगे ये तपस्या उनके तरफ से किया जाएगा और आप समझ सकते हैं कि देश के प्रधानमंत्री हैं न्यूज ट्वेंटी ने बताया है कि राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा से तीन दिन पहले पीएम मोदी बिस्तर पर नहीं सोएंगे लेकिन किस पे सोएंगे भैया बिस्तर पर नहीं सोएंगे वो लकड़ी के चौकी या खाट पर लकड़ी की चौकी अच्छा स्टील का चौकी भी होता होगा हाँ लकड़ी की चौकी या खाट पर सिर्फ जो है वो कंबल बिछा करके सोएंगे एक तो मतलब समझ लीजिए कि एक लकड़ी की चौकी होगी प्रधानमंत्री जी के लिए है ना लकड़ी की चौकी होगी और इस चौकी पर प्रधानमंत्री जी जो है वो एक कंबल बिछवाएंगे मतलब कंबल बिछाएंगे और उस कंबल पे जो है प्रधानमंत्री जी इस पर लेटेंगे इसी पर आराम करेंगे और तीन दिनों तक तीन दिनों तक जो है वो कठोर व्रत के साथ सिर्फ़ और सिर्फ फल खाएंगे सिर्फ़ और सिर्फ फल खाएंगे तो ये देश के प्रधानमंत्री को लेकर के एक बड़ी खबर सामने आ रही है और आपको बता दें कि ये उनका बहुत बड़ा फैसला है और इस फैसले पर आप तमाम लोगों की क्या कुछ राय है अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा क्या आपको लगता है कि देश के प्रधानमंत्री जी जो हैं उनके लिए काफ़ी कठिन होने वाला है अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा तब तक के लिए दीजिए इजाज़त फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो के साथ किसी नई पेशकश के साथ आपको बता दें कि हम उस हिंदुस्तान से हैं जहां हजारों कम बोल रहा हूं लाखों लोग जो हैं वो बिस्तर उनको नसीब नहीं होती है हमारे देश में सड़कों पे लोग सोते हैं अगर आपको यकीन ना हो तो कभी निकलिए सड़कों पर देर रात बारह बजे एक बजे और कभी घूम आइए चार पाँच किलोमीटर आपको कुछ लोग नजर आ जाएंगे अब कुछ लोग गाँव देहात के लोग बोलेंगे वीडियो देखने के बाद हमारे यहाँ ऐसा नहीं है कभी निकलिए शहरों में कभी निकलिए बीच शहर में और देखिए कि किस तरह से हमारे यहाँ के लोग अखबार बिछाकर सोने को कहीं ना कहीं परेशान हैं वो कहते हैं कि फुटपाथ सो जाते हैं अखबार बिछाकर फुटपाथ पर ये लोग तो ये हालात हैं और ऐसे में प्रधानमंत्री जी ने भी ये फैसला लिया है कि वो जो है बग़ैर बिस्तर के सोएंगे हालांकि वो लकड़ी की चौकी पर कंबल बिछा करके सोएंगे ऐसी सूचना जो है न्यूज़ ट्वेंटी फोर की तरफ से हमें मिली है आप तमाम लोग इस पर क्या कुछ सोचते हैं अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा तब तक के लिए दीजिए इजाजत फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो के साथ किसी नई पेशकश के साथ